औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं उमर फारूक फारूकी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़िला द्यामर में गुरबत के खात्मे, तालमी पासबंदगी और ख़वातीन के हकूक़ पर, जिसके लिए आज हमने प्रोग्राम में ज़हमत दी है ज़िला द्यामर के मारूफ आलमदीन मौलाना शुजा उल हक़ साहब और द्यामर के सोशल एक्टिविस्ट मौलाना ज़करिया साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मौलाना शुजा उल हक़ साहब, आप मुझे ये बताएगा, द्यामर में तालमी पासमंदगी बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर ख़वातीन में, तो आप मुझे ख़वातीन के हवाले से बता दीजिए कि द्यामर में ख़वातीन तालमी मैदान में इतनी पीछे क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्यामर एक पसमंदा और तालीम के लिहाज से सबसे पीछे एक ज़िला है। यहाँ तालीम के सिलसिले में तालीम पर यहाँ लोगों को पढ़ने के मौके से रोका है, अंग्रेज़ बनने की दरस देकर पेंट टाई की मुखालफत करके और औरतों की बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगाकर, उस वजह से द्यामर सबसे पीछे रह गया। और अब लोगों के अंदर भी शऊर आ गया है और बच्चियों की तालीम पर भी शऊर आ गया है। मखलूत तालीम के अलावा यहाँ द्यामर में बच्चियों की तालीम पर जोर दिया जाना चाहिए, हुक्मरानों की तरफ से भी और उलमा की तरफ से भी, क्योंकि हमारे बच्चे कल कहीं एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं। इस वजह से सबसे बड़ी ज़हमत द्यामर में ये तालीम का फुकदान है। बढ़ते हैं मौलाना ज़करिया साहब की जानिब। मौलाना साहब, आप बताइएगा कि द्यामर में तालमी पासमंदगी के अहम महरिकात क्या है। शुक्रिया फारूकी, ज़हमत देने का और हमें यहाँ बात करने की मौका देने का। असल में मसला तालीम के हवाले से दो चीज़ें हैं। मैं शुरू से ये बात करता आ रहा हूँ कि मसला तालीम नस्वा नहीं है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहती है, गलतफहमी ये होती है कि द्यामर में हमेशा से तालीम नस्वा या आप फीमेल एजुकेशन जिसे कहा जाता है, इसको एक इशू के तौर पर ये क्रिएट किया गया है। ये द्यामर का बेसिक मसला नहीं है। बेसिक मसला तालीम के हवाले से यहाँ क्या आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सहूलियात नहीं है कि हम अपने बच्चों को उस तरह की तालीम दिलवा सकें। बिल्कुल ठीक है, फीमेल टीचर्स नहीं है। हमारे जो एन जी ओज़ हैं या हमारे दूसरे इदारे हैं, वो बजाय इस चीज़ को इशू बनाने के, इसके बुनियादी उसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें तो ये कोई इशू नहीं है। अब इस वक्त फीमेल एजुकेशन के ऊपर शायद मैं नहीं समझता कि कोई मुखालफत किसी मजहबी सतह पर या किसी सियासी सतह पे या किसी भी सतह पे इसकी मुखालफत होती है। मौलाना शुजा उल हक़ साहब, आप मुझे ये बताएगा कि एक बेहतर माशरे की तश्कील के लिए, एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए ख्वातीन का क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? औरत का निज़ाम जो है दुनिया के अंदर सबसे आला है। सही। और इस्लाम के अंदर भी औरत को सबसे आला मकाम दिया गया है। इससे पहले जितने भी मजाहब गुजरे हैं उधर औरत का कोई मकाम नहीं था। सही। इस्लाम में औरत को इतना मकाम दिया गया, मर्द को उसका नौकर बना दिया गया है। सही। लेकिन औरत का किरदार तब वाजे होगा जब वो पढ़ी लिखी होगी इस्लामिक दुनिया में और एजुकेटेड जो दूसरा तालीमी शोबा है इसमें, तब वो अपने बच्चे और बच्ची की परवरिश कर सकेगी जब वो खुद पढ़ी लिखी होगी। एक औरत को खुद अपना हक का, अपने इल्म का कुछ पता नहीं, वो दूसरे अपने बच्चों को क्या सबक देगी, तो उसका क्या किरदार। अच्छा मौलाना साहब, आप मुझे ये भी बताएगा कि गुरबत के हवाले से द्यामर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम ज़िला में सबसे गरीब तरीन ज़िला है, तो द्यामर को गुरबत से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए और हुकूमत को इस गुरबत के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम और स्टेप्स लेना चाहिए? द्यामर में तो सबसे पहले जितने भी यहाँ हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने मेहनत नहीं की है, इतने बड़े दासेस को बंजर वीरान रखा है और उधर कोई दरख्त नहीं लगवाया, कोई प्रोग्राम नहीं दिया, ना हुक्मरानों ने दिया तो ना यहाँ के नोटेबल ने दिया या सियासी वर्करों ने दिया, ना उलमा का कोई रोल रहा। यहाँ इतने बड़े द्यामर का तकरीबन बहुत सारा रकबा इस वक्त वीरान पड़ा हुआ है, बंजर है और पानी हर तरफ मौजूद है, किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब इसके खात्मे के लिए मैं वावड़ा और जितने भी एन जी ओज़ हैं जो भी द्यामर की गुरबत से निकालना चाहते हैं, उन लोगों से मुतालबा करूंगा कि इन दासिस के लिए हर तरफ से चैनल निकाला जाए। जंगलात को इन्होंने इतना बेदरी काटा है, गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, आज सारा द्यामर बर्बाद हो गया। अगर आज जंगल बका में रहते तो आज द्यामर में कोई बच्चा गरीब नहीं पैदा होता बल्कि अमीर तरीन पैदा होता। ज़करिया साहब, आप भी मुझे गुरबत के हवाले से कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि द्यामर में बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। द्यामर बादशाह डैम जैसा मुल्की तरक्की का अहम मनसूबा यहाँ पे तामीर हो रहा है, यहाँ पे रोज़गार के मौके भी इस बादशाह डैम की तामीर की वजह से काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद द्यामर
गिलगित बल्तिस्तान का गरीब तरीन ज़िला जो है डिक्लेयर हुआ है, तो आप क्या समझते हैं इतनी गुरबत क्यों है और इस इलाके को गुरबत से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फारूकी, सबसे पहली बात यह है कि आपने इस टॉपिक में लाके मुझे आपने लिमिटेड कर दिया, वरना ये इस टॉपिक पे जब मैं बात करता हूँ तो ये मेरा एक फलसफा है, इस पे आपकी मैं खुली इजाज़त भी है। हाँ, अगर मुझे इजाज़त है तो मैं बताऊँ कि देखो, द्यामर के अंदर ये जो बात कहना कि द्यामर गरीब तरीन ज़िला है, ये बहुत मायूसकुन बात है। पहली बात तो ये है कि दूसरे अजला के बनिस्बत हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो 10 गुना ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा अब अगर ये बात है कि हमारे पास शरह लिटरेसी, हमारे पास शरह ख्वानदगी अगर कम है, उसके बनिस्बत अगर हम ये कहें कि भाई हम गरीब तरीन तबका है, पसमानदा हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि भाई हम पसमानदा हैं। द्यामर पसमानदा ज़िलों में नहीं आता, ये बात गलत है, उसका मैं फिर साबित करूँगा किसी और उसमें। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान उमर फ़ारूक फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।